ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज के जगदीशपुर मैंडोली में, जहां 30 मार्च 2019 को मदरसा अल फारूक के सालाना इजलास में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ उन्वान पर सखावती प्रोग्राम पेश किए। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे जनाब मौलाना असदुल्ला नदवी साहब, मदरसा अल फारूक के सदर हैं हाफिज अब्दुल अजीज साहब, मैनेजर हैं जनाब शरीफ अहमद साहब और सेक्रेटरी हैं मेहमान नवाज अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर हबीब अहमद अंसारी साहब, खाजिन हैं जनाब मुख्तार अहमद अंसारी साहब। आपको ये प्रोग्राम वक्त मीडिया की तरफ से, जो जिसको कवरेज कर रहे हैं हमारे शफीक भाई, यूट्यूब चैनल पर भी इंशाल्लाह चंद दिनों बाद मिलेगा। अब इसके बाद इकरा बानो फौरन अपने ग्रुप को लेकर स्टेज पर आ जाएं। छोटे छोटे बच्चों का एक प्रोग्राम है और उसके बोल हैं हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही। हेलो, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। हम सिपाही, अल्लाह के अंसार।
हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, दुश्मन से तेरे कोई भी पैमान करेंगे, जीने के लिए मौत का सौदा न करेंगे, रुसवा हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, इनकार हमारा है जमाने की नजर में, इकरार हमारा है जमाने की नजर में, किरदार सिवान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, संगीन ये रात के परवान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही, हम आखिरी नज़्म इसके बाद होगी। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें, YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।